हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो कंस्ट्रक्शन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डीपीसी और चौखट के बारे में कि चौखट हम जो लगाते हैं कहाँ पे लगाते हैं डोर की चौखट। तो सबसे पहले बता दूँ कि आपने ये देखा होगा, ये अपना पन्नी दिखा देता हूँ। ये अपनी नीचे डीपीसी है 40 mm की यानी 1.5 इंच, उसके बाद ये पन्नी लगी है वाटर प्रूफिंग के लिए। पन्नी लगा सकते हो आप, और ध्यान रखें आप, हमने वाइट पन्नी लगाई है, कहीं पे ब्लैक पन्नी भी लगती है, कहीं पे तारकोल की जो लेयर होती है वो भी बिजती है। ये आप पे डिपेंड, आप कौन सी लगाते हैं। अगर आप पन्नी लगा रहे हो तो वाइट लगाना, क्योंकि वाइट जो होता है वो प्योर प्लास्टिक होता है, और जो ब्लैक होता है ब्लैक में मिलावट होती है, इंप्योरिटीज होती हैं, तो दिक्कत कर जाएगी, जल्दी फटने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, रिस्की हो सकता है। तो अगर आप लगा रहे हैं पन्नी तो वाइट लगाएं। दूसरी बात, आपकी डीपीसी होगी ये। अब हम जो चौखाटे लगाते हैं वो आपकी डीपीसी, ये देख सकते हैं, ये अपनी डीपीसी होगी। ये डीपीसी का लेवल यानी ये अपना डीपीसी ये होगी 40 mm। तो ये अपना नीचे वाला, जो नीचे वाले की तरफ अपनी ये इसकी चौखट लगी। कारण है आपको बता दूँ, क्योंकि जो अपना डीपीसी है इसके साथ साथ अपनी फ्लोरिंग चलेगी, यानी जो ये लेवल है डीपीसी का ऊपर वाला पन्नी वाला, ये अपना फ्लोर लेवल, जी सही सुना आपने, फ्लोर यानी इसके नीचे की साइड, मतलब इसी लेवल पे अपनी लगेगी। इसी लेवल मतलब कि जो ये लेवल है ऊपर वाला, ये ही फ्लोर का ऊपर वाला लेवल होगा, यानी टैली बीतने के बाद यही लेवल आएगा। तो इसको हम ना तो डीपीसी से नीचे कर सकते हैं ज़्यादा, ना डीपीसी से ऊपर कर सकते हैं, प्रॉपर डीपीसी पे रहनी चाहिए। कारण आपको पता, अगर ये डीपीसी से अगर इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पे एक ईंट लगानी पड़ेगी। जब हम ईंट लगाएं, क्योंकि ये जो पन्नी है तो ऐसी लगा रखा है, इधर डीपीसी अपनी डलती नहीं है, ना पन्नी डलती, कुछ नहीं डलता अपनी डीपीसी, यहाँ पे यहाँ तक ख़त्म होगी, हमने एक्स्ट्रा ही ये पाया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे यहाँ से शुरू करते हैं अगर चौखट लगानी, तो यहाँ पे ईंट लगेगी, ईंट लगेगी। अगर आपको पता है कि नीचे अपना सोयल है, इसके नीचे जो अपना फ्लोर हो गया, फ्लोर के नीचे सोयल होगा, सोयल में पानी होगा, पानी रिस के इधर आ जाएगा, इससे अपना ये इधर आ जाएगा, इससे अपने इधर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो मॉइस्चर होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ रहता है। तो ये तो बात होगी ऊपर की, अगर हम चौखट को ऊपर लगाते, नीचे लगाते दोस्तों, नीचे लगाने का भी यही है, क्योंकि यहाँ तक तो सोयल भरा होगा, नीचे करते हैं चौखट को तो इधर भी चुनाई होगी, ये नीचे की तरफ होगा, तो जब ये नीचे करेगी तो इधर पर पहुँचेगा, यहाँ से पानी फिर ऊपर जाएगा। तो दोनों ही केसेस में नुकसान हमारा है, रिस्की है, और पानी मॉइस्चर जो है ऊपर आएगा ही आएगा सोयल से। इसलिए डीपीसी के लेवल पे ही हमारा जो डीपीसी लेवल, मतलब मेरा जो नीचे वाला है इसका डीपीसी लगाने, डीपीसी का नीचे वाला यानी ये अपना नीचे लेवल हो गया, नीचे से फिर 4 इंच और 1.5 इंच अपना डीपीसी हो गया, उसके पन्नी होगी। मैं नीचे वाले कह रहा हूँ, नीचे वाले पर अपनी वाली आखिरी वाली ये चौखट ये लगेगी। तो ये थी मेरी वीडियो, चौखट कहाँ पे लगाते हैं इस बात का ध्यान रखें। और जो आप देख सकते हैं बीम, डोर बीम, ये ओपनिंग है, ये हमेशा सबकी ये सेम रहेगी, बॉटर लेवल से आप चेक कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वाचिंग थी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस तरह के वीडियो में डालता रहूँगा। थैंक्स सो मच।